गाइस मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टाइम। गाइस अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल के एक ऐसे फीचर के बारे में जो आपको प्रोवाइड करता है स्कॉलर लिटरेचर को सर्च करने का एक आसान तरीका, जिसकी मदद से आप बहुत सारे डिसिप्लिन और सोर्सेज एक साथ सर्च कर सकते हैं, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कोई बुक हो, कोई थीसिस हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई रिसर्च हो या फिर किसी कोर्ट का ओपिनियन। यानी कि आप चाहे ट्वेल्थ में हो या फिर आप चाहे ग्रेजुएट हो या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जस्ट आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको google.com पर कुछ भी सर्च करने के बजाय इसके लिए आपको गूगल का स्कॉलर फीचर यूज करना है और इसके लिए आप यूज करेंगे scholar.google.com। ठीक है, अब ये लिंक यूज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और यहां से आप डायरेक्ट जाएंगे गूगल स्कॉलर सर्च इंजन पे। ठीक है, अब यहां पर आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करेंगे उस रिलेटेड यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो गूगल का फीचर है ये स्कॉलर ओरिएंटेड है, यानी कि आप यहां पर जो भी सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बुक्स में, पीडीएफ में या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले। जैसे सपोज आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, थीसिस लिखनी है, तो आप अपना डेटा कैसे फाउंड आउट करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे। सपोज मैं यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन मैं यहां पे सर्च करता हूं। अब इससे रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक डेटा है, चाहे वो एकेडमिक पब्लिशर्स के द्वारा हो, प्रोफेशनल सोसाइटीज के द्वारा हो, यूनिवर्सिटीज के द्वारा हो या फिर किसी ऑथेंटिक वेबसाइट के द्वारा हो, वो रिजल्ट यहां पे आपको मिलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन मेडिसिन, यहां पे मैं डायरेक्ट पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकता हूं। जो भी रिसर्च मुझे करनी हो आप देख सकते हैं nih.gov की वेबसाइट से मुझे यहां पे पीडीएफ मिल रही है। HTML मींस किसी आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप बुक को यहां पे विजिट कर सकते हैं। यहां पे आपको बता दिया जाता है ब्रैकेट में कि कोई बुक है या फिर पीडीएफ है। इनफैक्ट यहां पर आप टाइम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2022 के बाद पब्लिश किया हो, 2021 के बाद पब्लिश किया हो, 2018 के बाद पब्लिश किया हो, या फिर आप कस्टम रेंज भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर के बाद की रिसर्च आपको फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे सपोज ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल रही है और आपको सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन आपको यहाँ पर आपका रिसर्च टॉपिक है और आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट पीडीएफ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप देख सकते हैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पीडीएफ का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लिए और मैं अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन यहाँ पे टॉपिक है उस पर रिलेटेड मेरे को काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर मिल गया है रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर जिसे मैं अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर पाऊँ। तो ये आप अपने टॉपिक वाइज यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको गूगल का एक स्कॉलर फीचर मिलता है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके असाइनमेंट्स में, आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके थीसिस में या फिर किसी भी रिसर्च में। आई होप कि जो जानकारी है एज ए स्टूडेंट आपको डेफिनेटली पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद।